हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रामनाथ और मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें दोस्तों मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो डेबिट कार्ड था उससे पेमेंट किया था, पर दोस्तों मेरा पेमेंट नहीं हुआ था। उसमें बता रहा था कि मेरा जो कार्ड है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, बंद हो गया था मेरा कार्ड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर मैंने क्या काम किया था, मैंने SMS भी सेंड किया था, पर दोस्तों मेरा जो कार्ड है एक्टिवेट नहीं हुआ था। पर दोस्तों अब मेरा जो कार्ड है, मैंने अपना कार्ड चालू कर लिया है, इसको एक्टिवेट कर लिया है। कैसे किया था दोस्तों, मैं आज वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ से अपना मोबाइल चालू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे मैंने मैसेज किया था, तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ ये, ठीक है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये यदि आपका कार्ड ये वाला बंद हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए, तो इसको चालू करने के लिए दोस्तों आपको ये मैसेज करना पड़ेगा, SWONDOM, ठीक है। वो लास्ट के 4 अंक यानी कि आपके डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 अंक यहाँ पर डालने पड़ेंगे। और इस नंबर, ये आप नंबर देख लीजिए, ठीक है। तो इस नंबर पे आपको ये मैसेज सेंड करना पड़ेगा, तो आपका कार्ड चालू हो जाएगा। पर दोस्तों ऐसा भी होता है कि आप मैसेज करते भी हैं तो आपका कार्ड चालू नहीं हो पाता है, तो आपको बार बार यानी कि ट्राई करना पड़ेगा। तो मैंने दोस्तों पहले बार मैसेज किया था तो मेरा कार्ड चालू नहीं हुआ था, पर दोस्तों मैंने दूसरी बार मैसेज किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहला मैसेज था तो ये चालू नहीं हुआ था, और ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा मैसेज किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा को कार्ड है, जो ATM कार्ड है वो सक्सेसफुल यानी कि एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है। तो चलिए दोस्तों, मेरा कार्ड अब एक्टिवेट हो चुका है। तो अब मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ कि अब मेरा जो पेमेंट है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ से पेटीएम ऐप ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से बैलेंस पे जाता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं पेटीएम वॉलेट पे जाता हूँ, ऐड मनी पे क्लिक करता हूँ। आपका कार्ड बंद रहता है तो यानी कि आप पेमेंट वगैरह नहीं कर सकते हैं, या किसी वॉलेट में आप पैसा ऐड भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पर जब आपका चालू हो जाता है तो आप फिर कोई सा भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने अभी एग्जाम्पल के थ्रू 1 रुपया यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे 1 रुपया। अब मैं देखता हूँ मेरा जनधन अकाउंट कहाँ पे है, SBI का, ये वाला देख सकते हैं, 60 75, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कार्ड में 60 75, ये मेरा जनधन वाला अकाउंट है। अब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ से अब मैं कार्ड के पीछे का शीश भी नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे डाल देता हूँ, तो ये मैंने नंबर डाल दिया है। अब मैं यहाँ से प्ले पे क्लिक करता हूँ। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक OTP आएगा, 6694, 6694 OTP डाल दिया। यहाँ से मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। तो आप दोस्तों देख सकते हैं मनी ऐड सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मेरा जो पेटीएम वॉलेट है उसमें दोस्तों मैंने 1 रुपया ऐड कर लिया है इस प्रधानमंत्री जनधन योजना का डेबिट कार्ड से। ये दोस्तों मेरा बंद हो गया था क्योंकि मैंने 1 साल इसको यूज नहीं किया था, ठीक है। पर दोस्तों मैंने दोबारा एक्टिवेट कर लिया है। और एक्टिवेट यदि आपका ऐसा बंद हो जाता है और आप चालू करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये मैसेज डालना पड़ेगा, SWON स्पेस देना पड़ेगा, DOM, उसके बाद डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 अंक,
और ये नंबर दिया हुआ है 09223966666 और 6। ठीक है, ये 5 बार 6 है, तो आप ये नंबर यहाँ पे, इस नंबर पे ये मैसेज सेंड करोगे, ठीक है, तो आपका डेबिट कार्ड चालू हो जाएगा। तो मैंने अपना डेबिट कार्ड चालू कर लिया है और यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने अपने वॉलेट में पैसा ऐड भी कर चुका हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं ये वॉलेट में पैसा ऐड हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे मैसेज भी आ चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं SBI का मैसेज भी आ चुका है कि मैंने 1 रुपया यहाँ से डेबिट कार्ड से ऐड कर लिया है। तो इस तरीके से आपका डेबिट कार्ड बंद हो जाए तो आप चालू कर सकते हैं। मैं ये नंबर है वीडियो के नीचे डाल दूंगा, ठीक है। और दोस्तों, आपको और कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसका समाधान ज़रूर करूंगा। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करता हूं। नमस्कार।